तकरीबन 30 संगठन हमें ज्वाइन करेंगे आज यहाँ, और हमारे टीम के प्रतिनिधि आज सरकार के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये वार्ता सक्सेसफुल इस तरीके से तो नहीं होगी। रीजन क्या है कि सरकार का एक ही रवैया है कि हम संशोधन, जबकि तमाम भारत के जितने भी किसानों से हम लोग मिल रहे हैं या हमारे वॉलंटियर्स जो अभी चिल्ला बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पे हैं, रेबल फाउंडेशन के या भारतीय किसान यूनियन के जितने भी अलग अलग गुट हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान गुरनाम जी, चडोनी जी, और तमाम वो लोग साधारण लोग जो अपने परिवारों से निकल के अपना समर्थन देने यहाँ पे आए हैं, देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से विदर्भ के किसान, उत्तराखंड के किसान, हिमाचल के किसान, उन सब का केवल एक ही मानना है कि हम लोग इसमें संशोधन नहीं, इसको वापसी चाहते हैं। फिर पुनः अगर आप हमसे वार्ता करना चाहें तो आप वार्ता कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ा विस्मयकारी स्थिति चल रही है कि इन सर्दी की ठिठुरती ठंड के रातों में और बरसात, आप समझ सकते हैं किस हद तक इस मौसम को और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों का जो मनोबल है उसका स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, बहुत ज्यादा ऊपर है वो लोग, और निरंतर तरीके से वो अपना इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं आभारी हूँ उन तमाम परिवारों का, और यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे रानीखेत, मुक्तेश्वर वगैरह लोग हैं, तो किसान के जितने भी संगठन हैं वो रेबल फाउंडेशन के साथ आ रहे हैं, और मेरी अभी 10:30 बजे उन लोगों से मुलाकात होनी है, और कल रात भी हमारे साथ कई तरह के संगठन आए। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं अपना एक एजेंडा के बेस पे है। मैं भी यहाँ पे आया था तो यहाँ कई जगह फ्लेक्स बोर्ड लगे हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो लोग सड़क पे अपना व्यापार करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, कि वो लोग अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन करें तो 100 रुपए का कैशबैक। ये बिल्कुल उसी तरह का स्कीम लगता है जो जियो ने अपने लिए स्टार्ट किया था कि आप आइए, मुफ्त का 3G पाइए, 4G पाइए, डेटा इस्तेमाल कीजिए, और धीरे धीरे अपनी मोनोपोली करने के बाद आज जियो की किस तरह की हमारे ऊपर ऑफिशियल एक गुंडागर्दी है, अगर कहा जाए तो, कि आज अगर आपका समय तिथि समाप्त हो जाए तो आपको आपका पुराना डेटा नहीं मिलता। ये केवल इसलिए कि मार्केट से उन्होंने सफाया कर दिया है तमाम प्रोवाइडर्स का, लेकिन अब अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है वो अपने पोर्टल से इसको हटा रहे हैं, लोग अगेन कन्वर्ट कर रहे हैं बैक टू एयरटेल या वोडाफोन। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सामंतवाद या इंपेरियलिज्म या इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है, हम लोग कोई व्यापारियों के विरुद्ध नहीं है, रेबल फाउंडेशन कभी भी किसी बिजनेस कोएलिशन का अगेंस्ट नहीं है, बस हम लोग इनकी जो साम्राज्यवाद के कार्य करने का तरीका है उसके हम लोग सख्त खिलाफ है। हम लोग इस आवाज को उठाना चाहते हैं कि व्यापार के चलते निजी लोगों के जीवन को ना खराब कर दिया जाए, और हमें आर्थिक एवं गुलामी के दृष्टिकोण से देश के एक पीछे की स्थिति में ना लेकर चला जाए, इस चीज के हम लोग प्रयास कर रहे हैं निरंतर। लेकिन जब भी हम अपनी आवाज को उठाते हैं, आप देखते हैं सरकार का जो काम करने का रवैया किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। हर महीने 2 महीने में इनकी कोई ऐसी स्कीम आती है। दोस्तों देखिए, ये मेरे पीछे का जो ग्राउंड आप देख सकते हैं, आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा होंगे दोस्तों, आप लोगों को इसलिए, ये यहाँ का परेड ग्राउंड है नैनीताल का, जिसका एक बहुत अच्छा स्थिति आप देखिए, जस्ट मेरे पीछे जो पीछे का बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जो मीनार है वो मस्जिद है यहाँ का, और मेरे जस्ट इधर आप देखेंगे, ये देखिए गुरुद्वारे का प्रेमिसेस है दोस्तों, और इसके जस्ट बगल में नैना देवी मंदिर। तो हमारे यहाँ विभिन्न समुदाय के जितने लोग हैं वो सब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने आवाज को हम प्रखर कर रहे हैं दोस्तों, और कल 10:15 बजे हम लोग बाजपुर से लाइव होंगे, जहां उत्तराखंड के विभिन्न प्रांतों के हर जिले के लोग अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ अपना समर्थन और संपूर्ण योगदान देने के लिए यहां से हम लोग कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। और ये शब्द का अगर इस्तेमाल किया जाए आज रेबल फाउंडेशन के द्वारा कि हम कूच करेंगे, उसका मतलब केवल एक है कि हट धर्मी सरकार और एक जिद्दी सरकार अगर ये सोचती है कि भारतीय अब झुकने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बात समझना होगा कि ये सरकार हम भारतीयों के वोट की वजह से, हम सरकार की वजह से नहीं है। जो किसान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और किसान के मनोबल और किसान की जो आत्मसम्मान है, अगर आप उसके ऊपर प्रतिघात करने का सोचेंगे तो आपको उसी के हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पे जवाब मिलेगा। लेकिन हमारा जवाब आपकी तरह नहीं होगा, हमारा जवाब व्यवहारशील होगा, संवैधानिक होगा, कानूनन होगा, और हमारा जवाब इस तरह से होगा कि देश से नहीं अभी तो पूरे विश्व के पटल में ये एक मैसेज जाएगा कि भारत के किसान आज भी एक है, और